नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, आज हमने जिस टॉपिक को लिया है वह टॉपिक है रिप्रोडक्शन पर, और इसमें लगभग 30 क्वेश्चंस को हमने लिया हुआ है। तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं इन 30 क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी होता है, और पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा है श्वसन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है प्रजनन। और इसका सही जवाब है जनन, रिप्रोडक्शन। दूसरा क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं, और ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, और इसका सही जवाब है 1। और तीसरा सवाल है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, ए अंडाणु, बी शुक्राणु, सी युग्मनज, डी इनमें से सभी। एक बार क्वेश्चन फिर पुनः सुने, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, ए अंडाणु, बी शुक्राणु, सी युग्मनज और डी इनमें से सभी, और इसका सही जवाब है युग्मनज। हमारा नेक्स्ट सवाल है जीवन अवधि क्या है, और आपके ऑप्शंस हैं ए प्रजनन का समय, बी बाल्यावस्था का समय, सी जन्म से मृत्यु तक का समय और डी वयस्क अवस्था का समय, और इसका सही आंसर है जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सबसे आसान सा सवाल है कि सबसे लंबे जीवन काल वाला जीव कौन सा है, सबसे लंबे जीवन काल वाला जीव कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए तोता, बी हाथी, सी व्हेल और डी कछुआ। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपने लिख लिया होगा, इसका सही आंसर है डी कछुआ। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि अलैंगिक प्रजनन में कौन सा विभाजन होता है, अलैंगिक प्रजनन में कौन सा विभाजन होता है, और इसके ऑप्शंस हैं आपके लिए ए आसूत्री, बी समसूत्री, सी अर्धसूत्री, डी समसूत्री एवं असूत्री। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा, और इसका सही आंसर है डी समसूत्री एवं असूत्री। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि चल बीजाणु किसमें पाया जाता है, चल बीजाणु किसमें पाया जाता है, और इस आपके ऑप्शंस है ए यूलोथ्रिक्स, बी क्लेडी क्लेमिडोमोनास, सी उडोगोनियम और डी सभी में। ऑप्शंस एक बार फिर पुनः सुन लें, पहला है यूलोथ्रिक्स, दूसरा है क्ले मिडोमोनास, तीसरा है उडोगोनियम और डी सभी में, और इसका सही आंसर है डी सभी में। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, ए बीजाणुओं द्वारा, बी स्पोर्स के द्वारा, सी कलिकायन द्वारा और डी जड़ों द्वारा। ए बीजाणुओं द्वारा, बी स्पोर्स द्वारा, सी कलिकायन या बडिंग द्वारा और डी जड़ों द्वारा, और इसका सही आंसर है सी कलिकायन या बडिंग के द्वारा। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि ऑफसेट किसमें पाया जाता है, प्रजनन की यह एक संरचना है कि ऑफसेट किसमें पाया जाता है, दूब घास या साइनोडॉन में, बी पुदीना या मिंट में, सी पिस्टिया में, डी चमेली या जैस्मीन में। आपके ऑप्शंस क्या हैं, ए दुबघास, बी पुदीना, सी पिस्टिया और डी चमेली में, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पिस्टिया में, पिस्टिया में। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकंद या राइजोम का उदाहरण है, प्रकंद या राइजोम का उदाहरण है ए हल्दी, बी प्याज, सी आलू, डी लहसुन, और इसका सही आंसर जो है वह है ए हल्दी। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि रोपण या ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा ऊतक जरूरी होता है, रोपण या ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा ऊतक जरूरी होता है, और इसके ऑप्शंस है ए जाइलम, बी फ्लोयम, सी पित, डी कैम्बियम, और इसका सही आंसर है डी कैम्बियम। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है
कि माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रसारण तकनीक में मदर प्लांट सेल क्या कहलाता है, और हमारे ऑप्शंस है ए एलाइड प्लांट, बी एक्स प्लांट, सी एम्ब्रॉयड और डी प्लांटलेट्स। और इसका सही जवाब है ए एलाइड प्लांट। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रकलिका या बुलबिल द्वारा प्रजनन किसमें होता है, और हमारे ऑप्शंस है डायोस्कोरिया, केचुआ, सी जैस्मिन और डी एप्पल। और इसका सही आंसर है ए डायोस्कोरिया। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि मादा जनन अंग कार्पोगोनियम किसमें पाया जाता है, और हमारे ऑप्शंस है ए कारा, बी नाइट्रेला, सी न्यूरोस्पोरा और डी पॉलीसाइफोनिया। और इसका सही जवाब है डी पॉलीसाइफोनिया। डी 15 क्वेश्चन है, बहुभुणता या पॉली एम्ब्रॉयनी का उदाहरण है ए प्याज, बी आलू, सी नींबू और डी पोटेंटिला। पॉली एम्ब्रॉयनी से तात्पर्य है कि एक साथ बहुत सारे भ्रूण का पाया जाना, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सी नींबू। यदि भ्रूण का निर्माण जायगोट से ना होकर सीधे बीजांड का है, जिसे न्यूसेलस भी कहा जाता है, या त्वचा से होता है तब इसे क्या कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस है ये अपस्थानिक भ्रूणता, बी अनिषेचक जनन, सी एपोगेमी और डी द्विगुणित बीजाणुकता। और इसका सही ऑप्शंस है ए अपस्थानिक भ्रूणता। हमारा नेक्स्ट सवाल है, मोनोकार्पिक पौधे का उदाहरण है ए आम, बी सेब, सी अंगूर और डी चावल। और इसका सही ऑप्शंस है डी चावल। पॉलीकार्पिक पौधे का उदाहरण है और आपके ऑप्शंस है ए आम, बी सेब, सी संतरा और डी सभी। और इसका सही ऑप्शंस है डी सभी। अब हमारा सवाल है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस, बी है मियोसिस एंड माइटोसिस, सी फर्टिलाइजेशन एंड माइटोसिस और डी नन ऑफ द एबो, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ए फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है?
ए कलिकायन, बी कोशिका विभाजन, सी द्विविखंडन, डी कलिकाएं। और इसका सही आंसर है द्विविखंडन। हमारा अगला सवाल है, क्लोन शब्द का अर्थ है संतान जनक के समान हो, संतान जेनेटिकली जनक के समान हो, सी मॉर्फोलॉजिकली जनक के समान हो, और डी सभी। और इसका सही ऑप्शन है डी सभी। हमारा सवाल है अगला, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कोशिका चक्र, बी अर्धसूत्री, सी समसूत्री विभाजन, और डी संयुग्मन। और इसका सही ऑप्शन है संयुग्मन, डी संयुग्मन। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए युग्लिना, बी प्लाज्मोडियम, सी प्लेनेरिया, और डी पैरामीशियम। और हमारा सही जवाब है डी पैरामीशियम। 29वां क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक शर्त है, लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक शर्त है ए दोनों जनक हो, बी युग्मकों का निर्माण हो, सी फर्टिलाइजेशन हो, और डी सभी। और इसका सही आंसर है डी सभी। लैंगिक जनन के लिए उपरोक्त सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन निम्न में पाया जाता है, बाह्य निषेचन की क्रिया निम्न में पाई जाती है, ए सरीसृप, बी उभयचर, सी मनुष्य, और डी बंदर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से तात्पर्य है कि फर्टिलाइजेशन का शरीर से बाहर होना, अर्थात जल में संपन्न होना। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वह भी उभयचर में पाई जाती है, उभयचर जैसे कि मेंढक। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्नों का संग्रह आपको पसंद आएगा, और यदि यह पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।